ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हर एक इंसान अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को सुखमय बनाने की हर एक कोशिश किया करता है, क्योंकि शादी जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला होता है। शादी के बाद एक लड़के और लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जीवन में नए रिश्ते भी जुड़ते हैं, नए लोगों के बीच जीवन बिताना भी पड़ता है। लेकिन एक कपल तभी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को प्यार से आगे बढ़ा सकता है जब दोनों पार्टनर मिलजुल कर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कई कपल की शादियाँ तक टूट जाती हैं और कई कपल साथ तो रहते हैं लेकिन वे आपस में लड़ाई झगड़े करते ही रहते हैं, जिसका बुरा असर उनकी शादीशुदा जीवन पर पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिव पुराण का एक ऐसा उपाय जिसे कर लेने से हर एक शादीशुदा व्यक्ति अपनी शादीशुदा जिंदगी को सुखमय व्यतीत कर सकता है। तो दोस्तों, जिस दिन रविवार का प्रदोष पड़े उस दिन लाल फूल की पत्ती का रस निकाल लें, चाहे वो फूल गुलाब का ही क्यों ना हो या फिर गुलाब जल ही क्यों ना हो। फिर शिव मंदिर में प्रदोष काल के समय लाल फूल की पत्ती का रस पहले शिवलिंग पर चढ़ा दें, फिर माता पार्वती की चरणों में समर्पित कर दें। फिर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए ऐसी मनोकामना कहकर जो आप लाल फूल की पत्ती का रस शिवलिंग पर और माता पार्वती को समर्पित किया था, उसी को किसी पात्र में ले लें। फिर घर आकर एक ही आसन पर पति पत्नी बैठकर उसी रस को आप दोनों आँखों के ऊपर लगा लें। ऐसा करने से पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, कलेश नहीं होगा, आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आनंद में जिएंगे। हर हर महादेव।